Welcome to the National Leadership Summit on Positivity organized at Dr. Ambedkar International Center. We have with us a very special guest, Devraj Ahuja ji, who is a BJP spokesperson as well as the National Convener Anti-Corona Task Force and many, many more organizations who have been giving his humanity services to the, across the pandemic, across the entire nation. And the, welcome, sir. Welcome to the summit is National Leadership Summit. So first of all, I can congratulate the detainees channel as well as you and Dr. Siddharth in particular. Mr. Gajanar Mali, I am watching for the last 3-4 years, you people are too active and you people are only creating positivity. So the summit ka jo aaj subject hai positivity, wo bhi apne aap ek urja jo deta hai, apne aap ek energy deta hai aur hum log ko sabko jo hai shuru se bataya hai ki positive rehna chahiye. बट कोरोना पॉजिटिव नहीं तो इसलिए हमें जो है पॉजिटिव की तरफ जो ध्यान देते हो आपने इतना अच्छा ये जगह चुना है ये भी अपने आप में पॉजिटिव है. डॉक्टर अम्बेडकर बैठे हैं जो हमारे संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर अम्बेडकर बैठा है वो भी अपना पॉजिटिव है. 10 न्यूज हमेशा से ही जो पॉजिटिविटी है अपना जो चीज़ें लेके आता है. मैं जब भी जो 10 न्यूज में आया हूँ तो बड़ा अच्छा मुझे जो बोलने का मौका भी दिया बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने मुझे दिए. तो मैं जो 10 न्यूज़ के माध्यम से और इस जो समिट में जो जो लोग अपना भाग ले रहे हैं जो डॉक्टर मुले को देख रहे हैं अपने साथियों को देख रहे हैं आप आपकी पूरी टीम में गजानंद माली जी हैं सुधीर सावंत जी मिले रामदास ठावले जी आए हुए थे काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे मतलब आना हुआ है. और ये जो समिट में मैं मुबारक जो देते हुए सभी ऑर्गेनाइज कमेटी को और जितने इनसे अपने जुड़े हुए हमारे ये स्पॉन्सर्स हैं इसके मैं नाम ले तो देख रहा हूँ आपने 82-68 से चीज़ें लिखी हैं सबके संदेश जाता है लेकिन हम सब जो पॉजिटिव रहने की चीज़ें हमें देश के जो नेशनल इशूज पर नेशनल मामलों पर राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए वी हैव टू बी पॉजिटिव और आपको तो विशेष मन भाई लेता हूँ. आज कार्यक्रम में श्री सुरेश प्रभु जी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा जी भी आए थे जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए स्पेशली बहुत कुछ बोला आपके माध्यम से भी हम जानते हैं. सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश को आप जैसे डॉक्टर जो हमारे कोरोना वायरस एंटी कोरोना टास्क फोर्स से एक हमने जोड़ा उसके माध्यम से मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री को सभी कोरोना वायरस को जिसमें डॉक्टर्स हैं पैरामेडिकल स्टाफ है पुलिस है सफाई कर्मी है ऐसे सभी लोगों को जितने पर्टिकुलर मीडिया मीडिया के हमारे चाहे अपने कैमरामैन भी जो पर्दे के पीछे रहते हैं बट उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जिससे हम अपनी बात जो लोगों तक जो रख पाते हैं पॉजिटिव का माध्यम है. और मोदी जी को मैं देश के सभी नागरिकों की तरफ 135 करोड़ नागरिकों की तरफ से जो 100 करोड़ में वैक्सीनेशन का टारगेट क्योंकि मैंने भी कई डिबेट्स में बोला है कि लोग मुझसे पूछते थे कि दिसंबर तक कैसे आप कर पाएंगे. मैंने कहा हम दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे और हम उस टारगेट की तरफ बढ़ भी चुके हैं और शायद उससे पहले भी कर सकेंगे. अभी देखिए मैं हालांकि नेगेटिविटी की जो बात नहीं करूँगा लेकिन इसमें देश को जो है सभी कोरोना वॉरियर्स को एक अप्रिसिएशन जो देना चाहिए और देश को जो है देश की सरकार देखो जब जो लीडरशिप होती है ये लीडरशिप है आपकी समिट जो लीडरशिप तो समिट का जो सक्सेस है जो तब है जब आपके लीडर्स उसको करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसी तरह से जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को और विदेशों में भी हमने एक्सपोर्ट किया वैक्सीनेशन का और सभी निर्माता कंपनियों को जो हमारे साथ जुड़ी हैं उनको भी देखिए मोदी जी ने जो तारीफ किया ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा जो दीर्घायुगी रहे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी जो है सेफ और सिक्योर है. आज आप देखिए कि हम कोरोना से काफ़ी हद तक जो है अपना निकल चुके हैं और लेकिन अभी भी जैसे आदरणीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमको जो है ये क्या बोलते हैं अपना मास्क को सोशल डिस्टेंस सब मेंटेन रखना भी चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को और देश के 135 करोड़ को सभी कोरोना वायरस पॉजिटिव के जो समिट के सारे मैं उनको जो मुबारकबाद देता हूँ बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.